गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। माई नेम इज़ सुषमा चौधरी। आई एम द लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन JGIC कला कौशाम्बी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगी, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, वॉट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। अर्थात व्याकरण या ग्रामर नियमों के उस संग्रह को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि भाषा कैसे काम करती है। वाई डू वी यूज लैंग्वेज? अर्थात हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेजेस विद अदर्स। Every language provides for uses of a collection of words to communicate. Such a group of words is called a sentence. संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं शब्दों के समूह को वाक्य या सेंटेंस कहा जाता है। Let's see the definition of sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव दे वाक्य कहलाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक मीन्स फंडामेंटल, मूलभूत। कॉन्सेप्ट्स मीन्स अवधारणाएं ऑफ की इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। अर्थात अंग्रेजी भाषा की मूलभूत अवधारणाएं। लेट्स सी अल्फाबेट। The complete set of letters in a language is called the alphabet. भाषा में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। There are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। It contains 5 vowels and 21 consonants. अर्थात 5 स्वर, vowels में स्वर, और 21 व्यंजन हैं। English alphabet contains 21 letters. English alphabet can be divided into two parts. First, vowels and second, consonants. Let's see the vowels. These are 5 vowels. A, E, I, O, U. Students, aap board pe dekh rahe honge. And there are 21 consonants. Vyanjan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. बच्चों, दूसरे नंबर पर आता है लेटर्स। लेटर्स का अर्थ है वर्ण या अक्षर। जैसे हिंदी में कहाँ से ज्ञा तक या आ से आह तक ये अक्षर हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में ए टू जेड ये अक्षर या वर्ड कहलाते हैं। लेटर इज अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। अ रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। अर्थात वर्ड या अक्षर वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा में ध्वनि का लिखित या मुद्रित प्रतीक ही अक्षर कहलाता है। बच्चों, हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं वे ही अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। ये लेटर्स दो भागों में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट है वॉवल्स अर्थात स्वर, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन। What is vowels? अर्थात स्वर क्या हैं? The letters which are pronounced with open mouth allowing the free flow of to the air are called vowels. जिन letters का उच्चारण किसी अन्य letters की सहायता के बिना किया जा सके vowels कहलाते हैं। What is consonants? अर्थात व्यंजन क्या हैं?
The letters which are pronounced by stopping the air flowing freely through the mouth are called consonants. अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकलती है वो व्यंजन कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड वर्ड मीन्स शब्द। अ वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। अर्थात अक्षरों या वर्णों को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से जब उस अक्षर समूह का अर्थ बनता है तो उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। जैसे बी ए टी यानी ये तीन अक्षर हैं, इनको मिला करके बी ए टी बैट बन गया और जिसका पूरा अर्थ निकल रहा है ये शब्द है। जिसका अर्थ निकले जिन वर्णों के योग से अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। बच्चों चौथे नंबर पर वोकैबुलरी आती है। वोकैबुलरी मीन्स शब्दकोश। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नोन एज अ वोकैबुलरी। किसी भाषा में शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। बच्चों फिफ्थ नंबर पर सिलेबल्स है। सिलेबल्स मीन्स शब्दांश अक्षर उच्चारण इकाई। अ सिलेबल इज वन यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश। सिलेबल्स ज्वाइन कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स टू फॉर्म वर्ड्स। अर्थात किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल्स कहते हैं। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसे एक सिलेबल यू गो, यू एक बार ही बोलने पे मुँह से निकल आया, गो गो में भी एक बार में निकल आया। जैसे कि हिंदी में मात्राएँ होती हैं ठीक वैसे ही। दो सिलेबल्स वाले शब्द फादर, देखिए फादर बोलने में दो बार मात्रा लगानी पड़ी फा और दर, फादर ठीक। तीसरा है दो से अधिक सिलेबल्स, एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यू टी फुल, यानी कि तीन बार जोर देके बोलना पड़ा तब ये वर्ड कंप्लीट हुआ। बच्चों जिसे हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं उसे इंग्लिश में एक्सेंट कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको तीन एग्जांपल समझवाए एक सिलेबल वाले यू और गो, तो ये एक बार एक्सेंट करने पे हम बोल पा रहे हैं। दो सिलेबल्स वाले में फा दर में दो बार एक्सेंट करना पड़ रहा है ठीक है बच्चों, यही सिलेबल्स कहलाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू बच्चों।